लगातार जींद की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं और फिलहाल वही जींद के पटियाला चौक पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पीछे वही जो ये रोड इस साइड जा रहा है और ये पटियाला चौक है जींद का। आए दिन जो है यहाँ पर आप कुछ न कुछ देखते रहते हो, जींद के पटियाला चौक की वीडियो वायरल होती रहती है। भाई जब बारिश आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल तालाब बन जाता है। लेकिन एक बहुत ही वायरल शख्स जो लगभग 2018 से वायरल रहा है पूरे हरियाणा ने पूरी दुनिया में, जो भाई डॉक्टर है, मतलब ऐसा डॉक्टर जिसने लाखों लोगों की जान बचाई है भाई। लाखों लोग जो है अपनी जो मंजिल थी वहाँ तक पहुँचाने का उन्होंने जो है काम किया है और आज भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका जख्मी जूतों का जो हॉस्पिटल है भाई यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर साहब फिलहाल बैठे हैं, उनसे बातचीत कराएंगे आपकी कि किस तरीके से। एक बार कैमरा मैन तक कहूँगा, एक बार ये पूरा वेंडर दिखा दे भाई। देख सकते हैं भाई जख्मी जूतों का अस्पताल डॉक्टर नरसिंहराम पटियाला चौक जींद पर। तो फिलहाल डॉक्टर साहब भी यहीं पर हैं और जो 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 बीमारियों का यहाँ पर इलाज होता है हमारे यहाँ पर दोबारा रिपेयर किए जाते हैं जूते, जो आपको मंजिल तक लेके जाएंगे। कई सालों से फिल्मी सेलिब्रिटियों के जूते जो है यहाँ पर सर्जरी हो चुके हैं और OPD जो है हर महीने के सोमवार को पेरिस में, आप सभी को पता है जो पेरिस में ओपन होती है, और रविवार को साहब जो है व्हाइट हाउस अमेरिका में बैठते हैं। तो आज हमें जींद में जो डॉक्टर साहब मिले हैं इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो है इन्होंने कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचाया है और कितने लोगों की आज तक जान बचाई है। फिलहाल डॉक्टर साहब बैठे हैं तो इनसे बातचीत करेंगे। पीछे जो है आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, जो मेडिसिन है, हर तरीके की जो फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो राम राम अंकल जी। राम राम। तो अंकल जी एक बार अपना नाम बता दो। नरसिंहराम। नरसिंहराम। तो अंकल जी जो ये हॉस्पिटल था आपने कब शुरू किया था? ये तो 32 साल हो गए। अच्छा 32 साल हो गए लगातार। तो भाई एक बार कैमरा मैन तक कहूँगा, एक बार दिखा दे भाई ये अमर उजाला की जो कटिंग है, देख सकते हैं भाई ये आज से वायरल नहीं है अंकल जी, बहुत दिनों से जो है वायरल है यहाँ पे। ये देख सकते हैं भाई 2018 में जो है इनको स्पॉन्सर करने का काम भी यहाँ पे किया गया था। और फिलहाल ये देख सकते हो भाई हाथों से तिरंगा इस तरीके से जो इन्होंने मतलब किया था, और ये पीछे भी इनकी जो कटिंग है, और ये देख सकते हो भाई मतलब आए दिन जो है ये वायरल रहे हैं हरियाणा में। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये कोई नए शख्स है, ये नए नहीं, आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अंकल जी ये आपने 32 साल पहले शुरू किया था यहाँ पे? नहीं, दुकान लगाते हम 32 साल हो गए। अच्छा 32 साल हो गए। तो ये कैसे दिमाग में आया कि आपने मतलब एक ऐसे लिख दिया कि जख्मी जूतों का अस्पताल है? ये तो आदमी का बुखार हो जाए, डॉक्टर के जाओ है। हाँ। जूते टूटे हैं। हाँ। जख्मी। हाँ, जख्मी। तो इनका कहना है भाई जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जूतों का भी पूरा रोल होता है कि भाई जूते भी टूटते हैं तो उनका भी डॉक्टर होना चाहिए। अंकल जी ने ये बात सोची और उनके बाद इन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि जख्मी जूतों का अस्पताल और डॉक्टर नरसिंहराम। तो अंकल जी आज अब तक आपने कितने जूतों का जो है इलाज किया है? मैंने खूब कर दिया। अच्छा। और 3 से 4 साल काम कर दिया, सारा दिन पड़े, सारा दिन चल रहा है। मतलब 32 साल में लगभग कितने जूते ठीक कर दिए होंगे आपने? कुछ करोड़ कर दिए होंगे। अच्छा। और मतलब कैसे कैसे जूता बिल्कुल टूट के भी आया होगा फिर भी आपने वो मंजिल तक जाने के लिए रेडी किया होगा? एक लंबर का। अच्छा बढ़िया। तो भाई देख सकते हैं अंकल जी ने इतने जूते जो है मतलब लाखों की संख्या में 32 साल में आप सोच सकते हैं, आए दिन हजारों की संख्या में यहाँ पे जूते पहुँचते रहते हैं। और ये पीछे आप देख भी सकते हैं भाई जो अंकल जी ने एक अनोखा तरीका जो है ये कायम मेहनत किया कि भाई किस तरीके से एक डॉक्टर मतलब, हालांकि और भी चीज़ें आपने देखी होंगी लेकिन अंकल जी ने सोचा भी कि भाई जब आदमी का डॉक्टर होता है तो जूतों का भी डॉक्टर होना चाहिए क्योंकि इसमें भी बीमारियाँ आती है, टूटते हैं, उनके बाद इनका भी इलाज होना चाहिए ताकि ये भी लोगों को मंजिल तक पहुंचा सके। और आप सभी को पता भी है कि जो जूते होते हैं उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल होता है, ये हमेशा साथ चलते हैं भाई। तो अंकल जी अब फिलहाल आप यहीं पर रहते हो, मतलब कोई वो तो नहीं है ना? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, परिवार वाले सब साथ? सब अपना मकान है यहाँ पर शिवपुर कॉलोनी में। अच्छा रोड पर काम धंधा मतलब अच्छा चल रहा है? बढ़िया, एक नंबर का। अच्छा सारे इंडिया में। अच्छा लोग जानते हैं आपको? खूब बड़े बड़े अफसर आए मेरे पास। अच्छा और चंडीगढ़ से पतकुल ले रहे। अच्छा अच्छा ओ। तो कैसा लगता है आपको, आपको लोग मिलते हैं, आपको जानते हैं? नमस्ते करते हैं डॉक्टर साहब। राम राम। बालिश करो बढ़िया वाले। एक तो आप मतलब ये बात नहीं लिखते ना कि डॉक्टर नरसिंहराम, तो फिर आप नॉर्मल बोलते भाई ये तो भाई जूते ठीक करने वाला है, अब आपको बोलते होंगे डॉक्टर? हाँ डॉक्टर बोलते मेरे। अच्छा डॉक्टर डॉक्टर है हर दिन? हाँ वो डॉक्टर भाई किसी की शरीर का डॉक्टर हो सकता है, ये जूतों का डॉक्टर है। डॉक्टर होना किसी चीज़ का मतलब एक
ऐसा होना कि भाई चीज़ को रेडी कर देना, उसको हम लोग डॉक्टर बोल सकते हैं। तो इनके नाम भी के साथ भी जो है डॉक्टर लगता है, और इन्होंने जो है इतने जूते ठीक कर डाले आज तक लाइफ में भाई आप सोच भी नहीं सकते, और लगातार जो है ये जींद में वायरल रहते हैं। इनका ये अनोखा तरीका था जो जींद में, आए दिन आप हमारी वीडियो देखते रहते हो। तो भाई अंकल जी से आपने पूरी बातचीत की, इनका यही कहना है कि भाई इन्होंने घर बैठ के सोचा कि भाई जब एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है, उसको बुखार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो वहाँ पर भी उनको जो है जूतों का जो चप्पलों का जो रोल होता है उनको भी ठीक करने वाला होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये बात जायज भी है। तो अंकल जी ये तरीका कैसे दिमाग में आया था आपके? मेरे तो नाम किसी का कैसे आया? हाँ ये तो ऐसे लिखा आपने, अपनी मर्जी ही आया है। नहीं, मतलब कैसे सोचा कि भाई ये कुछ और भी आया हो दिमाग में? और क्या, आपने जो दिमाग में है कि मेरा भाई बोर्ड छपवा दे, अच्छा लिखवा दे दिया मैंने, आप बड़े देर बात कर आगे ताकि चले गई। अच्छा ये आपका चिल्ला के अच्छा तो ये चिल्ला भाई देख सकते हैं यहाँ पे लोग, इनकी फैन फॉलोइंग पूरी है भाई, आसपास को लोग आप देख सकते हैं झूम रहे हैं। तो सर जी आप इनको कितने दिन से आप देख रहे हो, आपने पता तो जी पैदा है जब से देख रहे हो। अच्छा और ये जो तरीका था इनका आपको कैसा लगा भाई, एक डॉक्टर इस तरीके से लिखा इन्होंने? ऐसा जी, यहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आए थे ना, हाँ, मतलब ये देखने के बाद हाँ ज्यादा मतलब मशहूर हो गए, पूरे हरियाणा गया, पूरे विश्व में मशहूर हो गए। कहीं कहीं जो ये टैग लाइन है जख्मी जूतों के अस्पताल वाली, ये कहीं कहीं अहम रोल रहा इनकी लाइफ में इसका। बिल्कुल मेन बात यही है जी। तो देख सकते हैं लोगों का यही कहना है कि जब से ये लिखा है ना जी, हाँ जब से तो बस मशहूर बड़े बड़े लोग हाथ मिला के जाते हैं इनको। अच्छा हाँ जी, तो आपको कैसा लगा मतलब इन्होंने जिस तरीके से बात लिखी, जैसे व्हाइट हाउस में होते हैं, मतलब एक बोलते हैं ना खेल खेल में शिक्षा या खेल खेल में काम, खाना खुना भी खान जावे जी थोड़ी हाँ, देर हाँ, तो उसका मतलब ये निकाल दिया। अच्छा भाई इस समय मैं खाना खाने जाऊंगा, इस समय के बाद ये एक दिन महीने में दो महीने में छुट्टी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है जी। तो कहीं ना कहीं ये बात इनकी जायज भी है, जैसे पूरे शरीर का कोई डॉक्टर होता है तो कहीं ना कहीं जूतों का भी होना चाहिए जी। लाइफ में इनका पूरा अहम रोल होता है, बिल्कुल मंजिल तक जाने के लिए कहीं भी जाते हैं तो चप्पलों का जैसे भी जूते हो हाँ एक नंबर कर देगा जी। अच्छा ऐसे कर देगा, अभी शोरूम से आए हैं तो देख सकते हैं भाई आपने, आप जूते टूटे फूटे जैसे भी लेकर आओगे ना ऐसे चकाचक तैयार हो जाएंगे, ला के बड़ी आप ससुराल में जाओ, कड़ियाँ पैर के जाओ, मज़ा होगा, लोग भी देख कर कहेंगे भाई कहाँ से रेडी कराए हैं। तो आप फटाक से नाम ले सकते हो जख्मी जूतों का हॉस्पिटल पटियाला चौक पर जो है ये रेडी करवाए हैं। आपने आप पूरी वीडियो देख ली, डॉक्टर साहब फिलहाल यहीं पर मौजूद थे, हमें मिले थे, इनका यही कहना है कि भाई किस तरीके से इनको ये क्रिएटिव आइडिया जो दिमाग में आया। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर देना, और आप भी जब पटियाला चौक पर आएँ तो ये आप देख लेंगे उर्ले हाथ ना बिल्कुल जो रोड कैथर साइड जाता है इस साइड ना है, ज़रूर मिलके जाएं। और जूते वगैरह आपने यदि ठीक करवाने हैं या कोई सिलाई वगैरह करवानी है तो ज़रूर एक बार सेवा का जो है मौका दें। और आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। आगे मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हरियाणा जय भाईचारा।